डिपेंड करोगे खुशी के लिए। आपको कोई चीज मिली, आपको लग रहा है कि हाँ इससे खुशी मिलेगी, बट कितने टाइम तक? ना तो वो चीज हमेशा के लिए रहने वाली है, ना उससे जो आपको खुशी मिल रही है वो हमेशा के लिए रहने वाली है। तो सब कुछ टेम्पररी है यहां पर। तो अंदर जाकर के एक कॉजलेस हैप्पीनेस नाम की चीज है एक ऐसी दुनिया एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, जो बहुत आसान है वहां तक पहुंचना। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में बैठ करके आराम से देखना है और सुनना है कि हमारे आसपास में हो क्या रहा है। अभी इस वक्त आपके पास में कुछ है, कुछ है, मतलब आपको कुछ मिलना नहीं है, है। आपका ध्यान कहीं और है, यहां नहीं है। जैसे यहां आया, फील कर लो, पता लग जाएगा अंदर ही है। एक सेकंड, कोई देर नहीं लगेगी। जहां आपका ध्यान वहां गया, जहां आप उससे जुड़े, वो आपसे जुड़ा, खेल शुरू। और उसके बाद में जो चीज होगी उसको कहते हैं कॉजलेस हैप्पीनेस। चौबीस घंटे के लिए आप जुड़ गए उसके साथ, चाह करके भी अलग नहीं हो सकते, नो वे आउट। चाह करके भी अपने माइंड को ज्यादा देर तक पास्ट में या फ्यूचर में नहीं रोक सकते। प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, हो सकता है, पॉसिबल है। उसके बाद क्या होगा? लोग ये समझते हैं कि प्यार खत्म हो जाएगा। अरे ना भाई, प्यार बढ़ जाएगा, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा? पूरी की पूरी ये जो दुनिया है ये भाग रही है किसी चीज के पीछे, किसी इंसान के पीछे, किसी काम के पीछे, क्योंकि उनको ये गलतफहमी हो गई है कि उसमें से उनको खुशी मिलने वाली है, जबकि वहां पर खुशी नहीं है। तो होगा क्या, जैसे ही आप उस जगह पर जाकर के गड़ गए जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, विच इज बियॉन्ड वर्ड्स एंड बियॉन्ड साइलेंस, दैट इज नॉट साइलेंस, बियॉन्ड साइलेंस कैसे जाओगे? अभी आप वर्ड्स को सुन रहे हो, साइलेंस को सुनो। एक स्क्रीन पे पिक्चर चलती हुई देख रहे हो, मान लो ये स्क्रीन है, एक 3D फिल्म चल रही है, दिस इज लाइक अ 3D फिल्म। तो इस फिल्म में जो दिख रहा है उसको तो आप देख रहे हो, मैं दिखा इस फिल्म के अंदर, लोग दिखे, वो सब दिखा, लेकिन जिस स्क्रीन के ऊपर ये फिल्म चल रही है, मतलब कि आपके और मेरे बीच में जो स्पेस है उसको देख रहे हो? कोई नहीं देख रहा। अभी आप मुझे देख रहे हो, अपनी आंखों को देखो, अपनी आंखों को देखो, माइंड ब्लैंक हो गया? द मोमेंट यू लुक एट योर आईज, द मोमेंट यू लुक एट स्पेस, मुझे देखोगे माइंड चल रहा है। जैसे ही आपने स्पेस को देखा, मेरे और आपके बीच में जो स्पेस है उसको देखो, है माइंड के पास कुछ करने के लिए? ब्लैंक। मुझे देखोगे तो बार बार थॉट्स आएगा, अच्छा है, अरे नहीं इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, अरे ये मजा आया, ये क्या बात कही, तर 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 तर, ये बोरिंग है। माइंड ऐसी भागता रहेगा। जहां आपने मुझे देखना बंद किया, मुझसे हटे, बीच में जो हमारे स्पेस है उस स्पेस को देखना शुरू किया, माइंड ब्लैंक। यह है तरीका रीस्टार्ट करने का, कि बीच बीच में कुछ देर के लिए जो माइंड को आदत पड़ी हुई है उससे अलग भी कुछ माइंड को दे दो करने के लिए। बीच की स्पेस को देखो, साउंड को बहुत सुना है, कभी बैठ करके साइलेंस को सुनो। दो आवाजों के बीच में जो साइलेंस होती है उसको सुनने की कोशिश करो। तो मोमेंट यू डू दैट, माइंड विल बी ब्लैंक। जहां माइंड ने काम करना बंद किया, तो जो माइंड के बियॉन्ड है वो निकल करके आपके सामने आया, एक सेकंड भी नहीं लगा, एंड दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। माइंड ने एक परत जबाई हुई है पूरे तरीके से, जिसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, वो परत हटी, वो सामने आया। तो क्या होगा? यू विल बी देयर इन अ स्टेट ऑफ कॉजलेस हैप्पीनेस। उसके बाद में आप इसलिए काम नहीं करोगे कि काम करने से जो चीज मिलेगी उससे कुछ खुशी मिलेगी, या काम करने से मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि आप चाहे कुछ करो या ना करो उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बैठे रहो एक जगह पर आराम से 10 घंटे के लिए।